ये है हायर का एक आउटडोर यूनिट और इस पर लगा ये बॉक्स जिसमें मौजूद होती है हायर की पीसीबी। पीसीबी से मुराद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर एसी से रिलेटेड तमाम प्रोग्रामिंग मौजूद होती है, जैसा कि कंप्रेसर की स्पीड, फैन की स्पीड और टेम्परेचर मेंटेन करना वगैरह। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इस पीसीबी के अंदर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की। हायर बिलीव ऑन कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और इसी कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को सामने रखते हुए हमने अपनी पीसीबी को इम्प्रूव किया। हमारे एयर कंडीशनर की पीसीबी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने उसके कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। हमने इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं जो कि किसी किस्म की भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी पीसीबी को आग लगने से या डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे कंट्रोलर्स दिए हैं जो कि इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमने इसके अंदर एक सर्किट फ्यूज दिया है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, हमारी जो वोल्टेज रेंज है वो 150 से लेकर 264 तक है। अगर आप इसको T1 टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएं तो ये 120 वोल्ट्स तक भी जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होगा वो इस फ्यूज़ को होगा। इस फ्यूज़ को आप आसानी से रिप्लेस करवा सकते हैं और आपका जो पीसीबी है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करती रहेगी। इसके अलावा इसको गर्मी से बचाने के लिए, इसको गर्म होने से बचाने के लिए हमने इसका हीट सिंक जो है इसको इम्प्रूव किया है और ये आपकी पीसीबी को जो है ये ठंडा रखता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इस वॉट से इसकी कैपेसिटी को हमने 20 वॉट के ऊपर कर दिया है। इन तमाम इम्प्रूवमेंट्स की वजह से हमने अपनी जो हायर एयर कंडीशनर की पीसीबी है उसकी जो वारंटी पीरियड है उसको 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया।